बच्चों, अब आपकी जो गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ हो रही हैं, इसमें आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश से तो कुछ गृह कार्य हम दे रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर उसको सही तरीके से करिएगा। ये सारा गृह कार्य जो दिया जा रहा है, इसके लिए एक आप अलग फाइल लेंगे और उस फाइल पे आप इसे लिखेंगे सुंदर राइटिंग में। सबसे पहले इसमें है आपको 20 सुविचार लिखने हैं, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको मालूम है कि कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं या कभी कहीं ज़रूरी काम से हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो हमें प्राचार्य महोदय से 2 दिन के अवकाश हेतु अपना प्रार्थना पत्र लिखना होता है, तो यह आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपने इसको पहले भी सीखा हुआ है। तीसरा जो मैं गृह कार्य आपको दे रही हूँ, ये रोल नंबर के हिसाब से है, रोल नंबर वाइज है, यानी कि 1 से लेके 5 तक के रोल नंबर वाले बच्चे गुजरात राज्य के बारे में कुछ प्रमुख बातें लिखेंगे, ठीक है। और 6 से लेके 10 तक रोल नंबर वाले राजस्थान राज्य के बारे में प्रमुख बातें लिखेंगे। प्रमुख बातों का मतलब यह है कि वहाँ की प्रमुख भाषा क्या है, वहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, वहाँ की राजधानी क्या है। इस तरीके से एक संक्षिप्त जानकारी जो है आप उस राज्य के बारे में देंगे। और इसी तो इसके अगले क्रमांक में आपका आता है, आपने पहले आपको 1 से 5 तक दिया गुजरात राज्य के बारे में, 6 से 10 तक राजस्थान राज्य के बारे में, 6 से 10 से रोल नंबर वालों को, और 11 से 15 तक वाले रोल नंबर वालों को महाराष्ट्र राज्य के बारे में लिखना है। ऐसे ही रोल नंबर 16 से 20 तक वालों को पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में लिखना है। रोल नंबर 21 से 25 तक वाले बच्चों को बिहार राज्य के बारे में लिखना है, और रोल नंबर 26 से 30 तक वाले बच्चों को मध्य प्रदेश के बारे में लिखना है। और उसी के आगे रोल नंबर 31 से लेकर 35 तक वालों को कर्नाटक राज्य के बारे में लिखना है, और अनुक्रमांक 36 से लेकर 40 तक वाले बच्चों को पंजाब राज्य के बारे में लिखना है, और अंत में जो बचेंगे बच्चे 40 के बाद वो केरल राज्य के बारे में लिखेंगे। इसी आगे में हम आपको जो है आप लोगों को भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के चित्रकर्तित करने हैं, और उनको वो किस राज्य में है इसके बारे में भी लिखना है, यानी कि चित्र चिपकाना है और उस इमारत का नाम लिखना है और ब्रैकेट में उस शहर का नाम लिखना है जहाँ पर वो इमारत है, ठीक है। आगे आपको मुहावरों का चित्रांकन करना है, इसके मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से चित्रांकन करना है, यानी कि चित्र को देख के मुहावरा स्पष्ट हो जाए। ऐसे आपको 5 मुहावरे बनाने हैं, और ऐसे ही आपको 5 पर्यायवाची शब्द बनाने हैं, यानी कि एक तरफ तो पर्यायवाची शब्द का चित्र होगा और दूसरी तरफ उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्द होंगे, ठीक है। और आपको 10 10 10 विलोम 10 लिंग बदलो 10 वचन बदलो ये लिखना है, और वाक्यांशों के लिए 10 शब्द ये भी लिखना है। आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम दे रहे हैं इस समय वो है एक लघु शब्दकोश बनाना। बच्चों, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए आपको कम से कम तो 2 शब्द या और अधिक से अधिक के लिए 5 शब्द शब्दों के अर्थ लिखने हैं, यानी कि मैं जो आपको लिखाती हूँ प्रतिदिन मैंने आपको कुछ नए शब्द अर्थ लिखाए हैं, आप उनको पहले अ बस आ आई इसमें सीक्वेंस में रखेंगे, और उसके बाद आप उसको क ख ग घ के सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे कि आपने इंग्लिश डिक्शनरी देखी है, उसी तरीके की हिंदी डिक्शनरी भी होती है। हिंदी डिक्शनरी को शब्दकोश बोलते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला क्रम में इसको जब हम शब्द लिखते हैं तो वो एक डिक्शनरी का रूप ले लेती, शब्दकोश का रूप लिख लेती है। तो इन जितने भी शब्द आपको ढूंढने हैं इस तरीके से कि हर शब्द के, हर वर्णमाला के, हर अक्षर के शब्द जो हैं वो आपको मिल जाए, और उनको आप जो है वो एक डिक्शनरी के रूप में लिखते चले जाएंगे, ठीक
ठीक है, ये आप ज़रूर करिएगा, इससे आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा, ठीक है। और एक इसके बाद जो काम दिया गया है वह महात्मा गांधी एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको 10-10 प्रश्नों की एक छोटी सी क्विज बनानी है, प्रश्नोत्तरी बनानी है, यानी कि उनके जीवन से संबंधित या उनके बारे में आप प्रश्न पूछेंगे और उसके उत्तर लिखेंगे, ठीक है। एक छोटी वन वर्ड आंसर वाली प्रश्नोत्तरी, ठीक है। और अंत में जो आपको काम दिया गया है कि आपने इन गर्मी की छुट्टियों में क्या किया, आप गर्मी की छुट्टी में अगर कहीं गए या आपने अपने घर में ही कोई अच्छा काम किया, ठीक है ना, तो आप